से बंद है, पड़ा हुआ, जो कि आदमी बहुत यहाँ बेरोजगार है, कताई मिल के लिए कोई प्रयास किया गया? ये कताई मिल है वो स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव का है, और इस पर हम लोगों ने बात की तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई इसका स्कोप नहीं है, और ये पहले से ही बंद है और घाटा में चल रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है इसमें चालू हुआ। अरे सर, लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल हुआ है, उसमें सेमीफाइनल हुआ जो नगर निकाय चुनाव में, उसमें आप लोग हार गए, समीक्षा नहीं होती, चर्चा नहीं करते, आप लोग बचते नहीं? नहीं बचते नहीं, पहले से ज़्यादा हम लोगों को विधानसभा में, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में पहले से मुझे कम वोट नहीं मिला है, और ये जरूर है कि हम जीत नहीं पाए हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी नगर पंचायत नगर पालिका में पहले से ज़्यादा, जहाँ हम हारे हैं लेकिन वोट हमें ज़्यादा मिला है, और जो जीते भी हैं वो कहीं ना कहीं, एक दो जगह छोड़ दीजिएगा, जो जीते भी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही कार्यकर्ता जीते हैं, दो एक जगह, दो तीन जगह फरुखाबाद छोड़ दीजिएगा, आपको कंपिल छोड़ दीजिएगा, हम मामदाबाद छोड़ दें, मामदाबाद वाले भी फरुखा हम लोगों से टिकट, शमशाबाद छोड़ दीजिएगा, ऐसे करके जो लोग अन्य लोग जो जीते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे भाजपा से जुड़ी ही टिकट मांग रहे थे, वो तो लग रहा है कि, और हमारे सभासद पहले से सभासद भी डबल हुए हैं, दूसरे हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, पिछली बार हम लोगों ने कंपिल चुनाव ही नहीं लड़ाया, इस बार तो हमने कंपिल में भी लड़ाया, अच्छे चुनाव लड़ा हमारा कैंडिडेट। क्या कमालगंज चेयरमैन बात कम शामिल हो गए क्या? हो नहीं गए, लेकिन कहीं ऐसे जो हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में उन्हें अच्छी लग रही हैं, मोदी जी योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो ऐसे कई नगर पंचायत अध्यक्ष और वो भारतीय जनता पार्टी की देख रहे हैं, की तरफ देख रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कि इनको हमें पार्टी में शामिल कराना है, हमारा स्पीच मेकर को डिसाइड करेगा, तो विचार करेंगे आपके बारे में, यहाँ के आपके चेयरमैन ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, फिर कहाँ बाहर देख रहे हैं, शामिल होने के लिए कई बार प्रयास किया। सदर सदर जिला स्तर पर, सदर 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 के बात कर रहे हैं? हाँ, सदर की भी बता रहा हूँ, वो भी चुनाव से पहले प्रयास कर रहे थे, अब प्रयास हो रहा है, अब कर रहे हैं प्रयास, अब की थोड़ा बताए, वो जी ने राम राज्य स्थापित कर दो वहाँ जम्मू कश्मीर में, हमने जो फोटो देखे हैं आपके, आप तो ऐसे संगीन साहब जलग, अभी गोली चल जा रही है, फरुखाबाद में भी आप देख रहे होंगे एक नया पावर हाउस बना यहाँ पर, ये 33 KVA का अपने भोलेपुर में, एक अपने गुतासी में भी 33 KVA का नया पावर हाउस बना, एक अपना पंचाल घाट पर भी पावर हाउस बना 33 KVA का, और भी जैसे फरुखाबाद जनपद में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 220 KVA का, 2014 से पहले फरुखाबाद बिजली या तो छोड़ा मऊ से आती थी या मैनपुरी से आती थी, अब फरुखाबाद जनपद भी बिजली में पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभर रहा है, तो फरुखाबाद जनपद भी एक साल या दो साल के अंदर ये आत्मनिर्भर बिजली में बन जाएगा, फरुखाबाद को 24 घंटे बिजली मिलेगी और आसपास जनपदों को भी फरुखाबाद से बिजली सप्लाई होगी, ऐसा मैं आपके साथ कहूँ, जिस दिन 400 KVA का हमारा पावर हाउस बन के तैयार हो जाएगा, जो 400 करोड़ रुपये का पावर हाउस बन रहा है उखरा में, जो जिस दिन उस दिन बन के कम्प्लीट होगा, तो पूरे फरुखाबाद से के साथ साथ में आस पड़ोस के जनपद में भी आवश्यकता के अनुसार बिजली सप्लाई की जा सकेगी। जनपद में आलू जनपद आप जाइए तो प्लेटफार्म किस तरह के थे, छोटी लाइन पर आप जाते, बड़ी लाइन की तरफ जाते तो बड़ी लाइन हो गई, लेकिन प्लेटफार्म उनके सबके नीचे थे, प्लेटफार्मों को सबको स्टार कराया, इस साइड पर इधर साइड नहीं पड़ा था, जो नई स्टेशन बनी थी सर, यात्री साइड नहीं थे, पूरे यात्री साइड पड़े, और यात्री की सुविधाओं के लिए बहुत उसी तरीके से उसे कराया, आप आज आप जब देख सकते हैं कि पूरे फरुखाबाद के लोग सुबह चलने के लिए स्टेशन पर जाते हैं, उनकी लंबाई भी बड़ी है, और स्टेशन पर साफ सुथरा और हर व्यक्ति से आज लगती है फरुखाबाद की अपनी स्टेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी इस फरुखाबाद स्टेशन को आपके लखनऊ और जो महानगर है उससे भी अच्छी स्टेशन, ये अमृत स्टेशन के नाम से उसको हमने सुधर करा दी, लगभग 80 करोड़ की लागत से ये स्टेशन का पुनः निर्माण हुआ, दूसरा चाहे फरुखाबाद स्टेशन हो चाहे फतेहगढ़ की स्टेशन हो, उसमें वो उसमें भी काफ़ी विकास कराया फतेहगढ़ स्टेशन पर भी, दूसरा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी है, ट्रेनों की स्टाफिंग भी बढ़ी है, दूसरा हम कह सकते हैं आपके रोड के माध्यम से
कि फरखाबाद में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से फरखाबाद में मुलाज के लिए फरखाबाद से रसोई किराए से मुलाज के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए फरखाबाद से सहूली के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए फरखाबाद से लेके आपके पुखरी मार्ग जाती वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी, आपके दुर्गावा देवी मंदिर से और हम शमशाबाद के लिए जाते हैं रोजनाबाद के लिए जाते हैं वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी। ऐसी और एक अपना इसी विधानसभा में जो मामनपुर ये कमालगंज रोड से मामनपुर होते हुए बिड़ैल और मामलाबाद रोड की लड़की वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी। ये तो सड़कें मुख्य रूप से मैंने गिराई। दूसरा नवान गंगे योजना के अंतर्गत आपके जो है विश्राकों के पास में वहाँ पर 234 करोड़ रुपये की लागत से इसके भी प्लान बना है और नवान गंगे योजना के अंतर्गत सत्तर ग्राम के घाट बना है जो आप लोगों ने देखा ही होगा। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि फरखाबाद जनपद में अपना जो स्वास्थ्य थी ये अपने बाजार से लेके और पंचाल घाट तक 4 लाइन में ये रोड बनेगा। इधर 2 लाइन है, इधर घर से यहाँ तक 4 लाइन है, इससे जल्दी काम शुरू होने वाला है। फरखाबाद में फ्लाई ओवर लगभग 80% बन गया है और शेष कार्य सब तेजी से होगा। दूसरा मैं और कह सकता हूँ कि फरखाबाद जनपद में हम लोगों के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर दिव्यांगों को मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल और रिक्शा काम की मशीनें और भी जिस तरह से फैसिलिटी चाहिए होती जो भी सुविधाएं चाहिए होती जितने भी फरुखाबाद जनपद में लगभग सैचुरेट की स्थिति में है कुछ लोगों को अभी मोटराइज ट्राईसाइकिल देनी है। वो भी हमारी है कि अगले विधान लोकसभा के 2024 से पहले शेष लोग रह गए होंगे करीब 100-150 लोग उन्हें भी हम लोग और ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे जिला की लोकसभा की बात कर रहा हूँ पूरे लोकसभा में 100-150 लोग अभी बचे होंगे जो 80% से ऊपर दिव्यांग हैं उन्हें भी मोटराइज साइकिल दिलाएंगे। लगभग सभी लोगों को ये दिव्यांगजनों को जिस तरह से सलमान खुर्शीद बनी सलमान खुर्शीद के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा जो बैसाखी घोषणा किया गया था जब वो आते थे 15-20 रिक्शा बांट देते थे और बोलते बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया। ऐसे हमने जो बड़े बड़े कार्यक्रम जिसमें 4,000 रिक्शा और उसके बाद ट्राई मोटराइज और बैसाखी कान की मशीनें और भी कई उपकरण बांटे 4,000 लोगों को बांटे हैं। दो बड़े बड़े मेले तीन मेले लग चुके हैं अभी तक अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में। दूसरा मैं कह सकता हूं कि फरखाबाद में हम लोगों ने अपने जो डाकखाना है मुख्यालय फतेहगढ़ वो डाकखाने भी वो बनवाया है पूरी बिल्डिंग चीर चीर हो गई और वही नहीं बना जैसे मैंने लोकसभा में बोला तो ये मुख्यालय तो बना ही बना पूरे हिंदुस्तान में जितने भी डाकखाने के हेड मुख्यालय हैं सभी जीवचिड़ मुख्यालय भी बने उसी जो मैंने लोकसभा में सदन में बात उठाया था उठाई थी। दूसरा एक बार हमने लोकसभा में प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना के अंतर्गत जो उस समय 70,000 रुपये थी उसको भी 70,000 से 1,40,000 1,50,000 कराने के लिए 1,20,000 नकद मिलेगा 16,000 उन्हें मनरेगा से मिलेगा और 12,000 शौचालय के लिए मिलेगा। ऐसे करके 1,50,000 कराने का काम पूरे हिंदुस्तान में हमारे द्वारा ही जब लोकसभा में उठाया गया उसका भी मेरे पास में मैंने पहली बार वही दिखाया था आपको कि लेटर माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय ग्राम विकास मंत्रालय से आया था। दूसरा अभी जो विकास पत्र हो चाहे अपने अल्प बचत के जो भी हैं उस पर भी ब्याज बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लोकसभा में उठाया पूरे हिंदुस्तान में एक ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे अनुरोध पर माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अल्प बचत में और विकास पत्र में दोनों का ब्याज दर बढ़ाया गया क्योंकि ब्याज दर बहुत कम थी तो प्राइवेट में लोग पैसा जमा कर रहे थे उसको बढ़ाने से यहाँ पर लोगों को अब वो इसके तरह अल्प बचत में और विकास पत्र में भी पैसा जमा करेंगे। दूसरा एक और है सबसे महत्वपूर्ण बात कि फरुखाबाद से जो आलू निर्यात किया जाता था उस पर 2% भारत सरकार निर्यात शुल्क लेती थी तो इसलिए जब हम लोगों ने भारत सरकार से पहल की तो आलू के ऊपर निर्यात शुल्क जो 2% पड़ता था वो समाप्त कर दिया गया
और कोई बाउंडेशन नहीं फरफावा से या ऑल इंडिया से कोई भी आलू निर्यात करना चाहे तो बिना शुल्क के आलू निर्यात होगा। ये मैं चार चीज़ें पांच चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो हमारे लोकसभा में उठाने के बावजूद ये पूरे देश में लागू हुई और लोगों को इससे भी फरफावा जनपद के तो हित में है ही और जनपद के साथ साथ में अन्य पूरे प्रदेश देश के हित में भी। एक और है, हम लोगों ने लोकसभा में बोला था कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत के बारे में ना तो हमें संस्कृत उर्दू के टीचर तो मिल जाएंगे, संस्कृत को कोई आज पढ़ने वाली पढ़ने वाला भी नहीं है, पढ़ाने वाला भी नहीं है। संस्कृत विद्यालय है उनकी स्थिति शून्य पर पहुंच गई है, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय गिर रहे हैं। हमारे चियासर में भी संस्कृत विद्यालय था जिसमें 500-500 बच्चे हुआ करते थे, कई जनपदों के अन्य स्टेट के भी लोग इस विद्यालय में आते थे पढ़ने। ऐसे जो संस्कृत भाषा की दुर्दशा थी उस पर भी हमने लोकसभा में बोला है, इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री ने सीधे संज्ञान लेके हमारे शिक्षा मंत्री को सीधे सीधे आज कहा है कि संस्कृत भाषा पर भी एक नया शासनादेश बनाया जाए और नया इसको संस्कृत भाषा को बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा में आगे हमारे बच्चे भी हमें मिले और हमारे हमारे टीचर्स भी मिले। हमें तो ये लग रहा था कि आगे चल के संस्कृत का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, तो इसको भी हम लोगों ने लोकसभा में उठाया था, तो इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री ने सीधे संज्ञान लिया, शिक्षा मंत्री ने सीधे संज्ञान लिया। आशा करता हूँ उनकी सबकी स्थिति ठीक होगी। इन्हीं सब बातों के साथ जो मैंने अपने द्वारा जो विकास कार्य या फरफावान कराए वो मैंने आपको बता दिया और जो भी आपके मन में योजनाएँ हैं उन योजनाओं के बारे में हमारे पाइपलाइन में है। आप सबके आशीर्वाद से जो